जो हार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में जानेंगे। अगर आपके पास सिलेबस का पीडीएफ नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। मैं वहीं पर सिलेबस जो है वो शेयर कर दूंगी। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना मेरे उन मित्रों के लिए जो नए नए चैनल के साथ जुड़े हैं और मेरे हैंडराइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक विशेष ऑफर अभी चल रहा है, पूरे एक सप्ताह चलेगा। यदि आप मेरे जेपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नोट साथ में लेते हैं तो आपको टेस्ट जो है वो फ्री मिलता है। टेस्ट अगर केवल लेना चाहते हैं, जो कि प्रत्येक रविवार को एग्जाम के पैटर्न पे लेती हूँ जेपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, तो ये जो टेस्ट होगा आपको, इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी 9905917516। अब चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम के पैटर्न को समझें। जो जेपीएससी का एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये तीन चरणों में होगा। पहला तो प्रीलियम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू होते हैं। प्रीलियम्स में होंगे दो एग्जाम होंगे, यानी कि दो चरण में पेपर वन और पेपर टू के एग्जाम होंगे। 400 अंकों के होंगे। पेपर वन जो होगा 200 अंक का होगा, पेपर टू भी 200 अंक का होगा। ये होगा प्रथम चरण। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं, हाँ ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ के जो नंबर होंगे वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। ये सिर्फ आपको अगले चरण में जाने का आपको एक मतलब एंट्री पास मिल जाता है। तो जब आप प्री क्लियर करेंगे तो आप दूसरे चरण के एग्जाम देंगे। दूसरे चरण जो होता है ये मुख्य परीक्षा का होता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने मिलेगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने मिलेगा। 6 चरणों में ये एग्जाम होगा, यानी कि 6 पेपर होंगे एग्जाम के। 6 पेपर होंगे, चरण नहीं होगा, 6 पेपर इस एग्जाम का होगा। अब ये पेपर के बारे में जाना, किस पेपर में किस विषय से कितने अंक के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अब मैं इसका डिटेल आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेपर वन के बारे में। ये जो पेपर वन है, इसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों में समान, जैसे कि 50 अंक के होंगे जो हिंदी के होंगे, 50 अंक के होंगे हिंदी के और इंग्लिश के होंगे, ये भी 50 अंक के होंगे। तो कुल मिलाकर के कितने अंक हो गए, तो 100 अंक के होंगे। लेकिन इसके नंबर जो होंगे ये जोड़े नहीं जाएंगे आपके मेरिट में, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए रहेगा। और फिर अगला जो पेपर होगा, दूसरा वाला जो पेपर होगा, ये होगा आपका एक तरीके से आप इसको वैकल्पिक मान सकते हैं, भाषा का ये पेपर होता है। यदि आपके लिटरेचर पेपर, अगर लिटरेचर में आपको इंटरेस्ट है, लोकल कोई लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कुडुक हो गया, ऐसे 15 भाषाओं का दिया हुआ है। मैं बता ही देती हूँ, अभी क्लियर कर देती हूँ कौन कौन सी भाषा है। 15 बांग्ला है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, हो है, खड़िया है, खोलठा है, कुरमाली है, कुडुक है, मुंडारी है, नागपुरी है, उड़िया है, पंचप्रज्ञी है, संस्कृत और संथाली है। तो ये 15 भाषाओं में से किसी एक को आप विकल्प के रूप में चयन करते हैं और उसका ही एग्जाम देते हैं। तो 150 नंबर का ये होता है। मैं आप सभी मुझसे राय लेते हैं कि किस तरीके से कौन सा पेपर मैं लूं। तो देखिए यहाँ पर हो जाता है, अब मुझे पता है खोटा बोलना या मुझे पता है नागपुरी, तो मैं यही लूंगी, मैं खोटा लूंगी या फिर नागपुरी लूंगी। या मुझे खोटा, नागपुरी या फिर कोई भी लोकल लैंग्वेज कुछ भी नहीं पता है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, हिंदी इंग्लिश या फिर अपना उर्दू। तो ये 3 हो गए, तो आप इन या फिर संस्कृत, तो आप इसमें से कोई ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं पता, उर्दू भी नहीं पता, संस्कृत पता, तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, हिंदी, तो आप हिंदी लेंगे। तो इस तरीके से करके आप ऑप्शन का सेलेक्ट कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जानकारी के ऊपर कि आप किस तरीके, कौन सी भाषा को अच्छी आपको जानकारी है, क्योंकि आप मेंस के एग्जाम आपको लिखने हैं, क्लियर करने हैं, आपको इंटरव्यू तक जाना है। तो आपको यहाँ पर 50 अंक के जो 150 अंक के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, अलग अलग उस क्वेश्चन की प्रवृत्ति जो होगी हम लोग हिंदी वाले क्लास में चर्चा कर लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपको। यहाँ पर क्या है, ये जो अंक होंगे 150 अंक, ये आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो एक एक अंक जो है वो इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, एक एक अंक, तो ये आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे। अगला जो पेपर होगा, पेपर 3 का, तो इसमें हिस्ट्री भी होगा और ज्योग्राफी भी होगा, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ये पेपर होते हैं। ये क्या होता है, 200 अंक का होगा, ये 200 अंक का होगा, यानी कि हिस्ट्री जो होगा ये 100 अंक का होगा और ज्योग्राफी भी होगा ये भी 100 अंक का होगा, दोनों मिलाकर के 200 अंक के। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मतलब आंसर आपको करना है, क्वेश्चन पूछने का छोड़िए, आंसर आपको करने हैं, 3 प्रश्न के आंसर करने हैं। एक प्रश्न जो होता है वो अनिवार्य, मतलब आपको करना ही करना है, वो होता है ऑब्जेक्टिव। तो 10 ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो ये 10 ऑब्जेक्टिव आपको करने ही हैं। बाकी के 4 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 2 के आंसर आपको करने हैं
और ये जो होंगे ये सब्जेक्टिव, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो सॉल्व करना हो। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दो भाग में बांट के दे सकता है या फिर एक ही क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है दो प्रश्न को मिला करके इस तरीके से। तो आप देख लीजिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको जब मैं अलग अलग करके सिलेबस का चर्चा करूंगी, जैसे इतिहास का अलग बताऊंगी, भूगोल का अलग बताऊंगी, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो आप जान लिए कि तीसरे पेपर में भूगोल होता है और इतिहास होता है, 100-100 अंक के होते हैं, कुल मिला करके 200। और ये आपको समय यहाँ पर मिलता है 3 घंटे का। हिंदी वाला जो पेपर है इसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, और जो पहला पेपर है हिंदी और इंग्लिश वाला यहाँ भी आपको 3 घंटे का ही समय मिलेगा। अब हम लोग प्रश्न पत्र 4 को देखते हैं, ये 3 तो हो गया था, 4 हम लोग देखते हैं। 4 में क्या है, इसमें आपको राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था और झारखंड की भी थोड़ी बहुत पढ़नी है, तो राजव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है और फिर लोक प्रशासन और सुशासन पढ़ने हैं। तो ये दो मिलकर के जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी, ये दोनों के पेपर होंगे। उसी तरीके से पॉलिटी जो होगा ये 100 अंक का होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी 100 अंक का होगा, कुल मिलाकर के 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। और ये आपको इसके लिए भी 3 घंटे का समय मिलेगा। और मेरे एक मित्र हैं जिनका ये पूछना था कि एग्जाम क्या पूरे सब दिन एक मतलब चलता है, सप्ताह का 6 दिन होगा, तो 6 दिन भी वो एग्जाम चलेगा, तो ऐसा होता है। लेकिन आने वाला समय में ऐसा कुछ नहीं है, यही बंधन है, नियम बदल भी सकते हैं, अल्टरनेट डे भी हो सकता है या फिर कुछ दिनों का गैप भी हो सकता है, लगातार भी एग्जाम चल सकते हैं। तो ये सब उतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना कि आपको तैयारी अपने स्टार्ट करनी जरूरी है। कंपटीशन भी काफी टफ होने वाला है क्योंकि समय जो मिल रहा है तो हो सकता है कि आप उसका लाभ ना उठा रहे हो, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्र ऐसे हैं जो इस समय का लाभ उठा करके अपनी अपनी तैयारियों को शांत तरीके से अपना लेकर के चल रहे हैं। मेरा एक चैनल है स्मृति ऐश्वर्य, आप कोशिश कीजिएगा उसको भी फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पर मैं प्रतिदिन क्वेश्चन देती हूँ। जैसे ये वीडियो मैं बना लूंगी, अपलोड कर दूंगी, फिर मैं उस चैनल पे क्वेश्चन दूंगी मुख्य परीक्षा के लिए, और आपको उसके आंसर सबमिट करने हैं अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में, जो भी ग्रुप ओपन होगा जहां पर आप एक्टिव हैं वहां पर उसको आंसर को वहां सबमिट कर दीजिए। देखिए अब जो पांचवा जो पेपर है वो होता है अर्थव्यवस्था का, पांचवा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और धारणीय विकास। इसके लिए भी आपको 3 घंटे के समय मिलते हैं, 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है। और प्रश्न पत्र जो 6 होता है इसमें 6 में यहाँ पर इकोनॉमिक्स का ये हो गया, इसमें आपको झारखंड की अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है, और 6 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, और उसके लिए आपको 200 अंक के भी पेपर होंगे, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का ये टाइम मिलता है आपको 6 पेपर के लिए में। तो कुल मिलाकर के हो गए 6 पेपर, और इस 6 पेपर के एग्जाम आपको मुख्य परीक्षा के लिए देने हैं। जो ये जो पेपर है भाषा वाला, तो ये बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जिनका ये पहला मतलब पहली बार वो पढ़ रहा होंगे लिटरेचर को, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है। तो इसकी तैयारी आपको पहले से सभी की तैयारी साथ में रखनी है, लेकिन खास करके लिटरेचर वाले पेपर को आप कंप्लीट करके रखिए, ताकि प्री के एग्जाम अगर आपके अच्छे जाते हैं, अगर आपको चांस लगता है कि आपके हो जाए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी ना हो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए, और केवल आपको उस समय में प्रैक्टिस करने हो, ये हैंडरिटन मतलब अपने आपके तो नोट्स तैयार ही रहेंगे, और उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करने का समय मिले, उतने ही के लिए आप बार बार जितना रिवीजन कीजिएगा आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो इस मुख्य परीक्षा को अपनी पीटी की तैयारी के साथ थोड़ा कनेक्ट कर दीजिए, और मुख्य परीक्षा आप मेरी बातों में मतलब ऐसा नहीं कि आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे साथ जुड़ना ही है, मेरे चैनल को फॉलो करना ही है, मेरे वीडियोज को देखना ही, ये मैं कभी नहीं कहती, लेकिन हाँ आप तैयारी सही तरीके से कीजिए, ये मैं हमेशा इसके लिए इंसिस्ट करती हूँ। तो इसमें मुझे क्या फायदा होगा कि आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ में करते हैं, आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे सिर्फ आपको ही फायदा होने वाला है। अगर आप मुझसे नोट्स मांगते हैं, मैं नोट्स दूंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने लिखने की प्रैक्टिस को जो है वो जारी रखनी है, क्योंकि एग्जाम में फाइनल परफॉर्मेंस तो आपको ही करना है, मुझे तो करना नहीं है, और आपको परफॉर्म करना है, आपके पास लिखने का, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो जब डायरेक्ट पूछ दिया जाता है तो आपकी प्रैक्टिस पहले से रही होगी, तो आप आराम से जाके वहाँ परफॉर्म कर दोगे, और बार बार प्रैक्टिस होने से किसी भी
प्रश्न के उत्तर किस तरीके से आपको देने हैं इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन अगर बहुत घुमा के भी पूछ दे जाए तो इसके भी आंसर करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो हर तरीके से आपके लिए ही फायदेमंद है ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। और मैंने इतने सारे ग्रुप बना करके आपको अलग अलग करके दिए हैं, तो आप उस ग्रुप का भी हेल्प लीजिए। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो काफी अनुभवी हैं, उनका हेल्प लीजिए। अगर वो आपका क्वेश्चन के आंसर का रिव्यू करते हैं तो फिर आप उसको पॉजिटिव तरीके से लिखिए रखिए और उसको अपने मतलब इम्प्रूव कीजिए अपने आंसर राइटिंग में। तो धीरे धीरे हो सकता है शुरुआत का आपका आंसर बहुत अच्छा ना हो, दूसरा तीसरा भी ना, लेकिन आपको इतना सारा प्रैक्टिस करना है तो आने वाले समय में आपकी लेखन शैली कितना विकसित हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये आप कंटिन्यू कीजिए इस मतलब इस तैयारी को, और प्री की भी तैयारी साथ में रखिए, क्योंकि धीरे धीरे देखा जा रहा है कि झारखंड में भी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो कम हो रहा है। सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो जैसे ही सब कुछ मामला संभल जाएगा सारा ये वायरस वाला, तो फिर चांस है कि एग्जाम हो जाए। धीरे धीरे वन बाय वन करके लॉकडाउन भी खोलने लगेंगे तो फिर चांस है, तो आपको उसके लिए भी तैयारी रखनी है प्री की भी। तो प्री का भी अपना तैयारी करते रहिए, टेस्ट मैं ले रही हूँ, कोशिश कीजिए टेस्ट देने की। कल संडे है, कल दो टेस्ट होंगे, आप उसको 10 बजे सुबह में ये टेस्ट मैं लाइव कर देती हूँ और रात के 11 बजे तक वो लाइव रहता है, और इस बीच में आप 2 घंटे का टेस्ट कभी भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया कुछ डिटेल। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि वन बाय वन करके अब हिंदी का सिलेबस जैसे कल डिस्कस करूंगे। आज सुबह 8 बजे से मैं इस वीडियो को बनाने में लगी हुई हूँ, लेकिन कभी लाइट का प्रॉब्लम, अभी लगातार लाइट हो सकता है, मैं बोल रही हूँ लाइट कट जाए, लेकिन मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट अगर आ भी गई जिन हो सकता है डिजिटल बोर्ड सपोर्ट ना करे, फोन सपोर्ट कर जाएगा, तो फिर मेरी बातें आप तक पहुंच जाएंगी। लेकिन बहुत मुश्किल हुई, मैं नहीं बना पाई आज वीडियो सही तरीके से। मैंने एक वीडियो अपलोड भी करा था, मुझे उसको डिलीट करना पड़ा, उसमें वॉइस क्वालिटी एकदम बिल्कुल भी सही नहीं था। देखिए मैंने आहूजा का मैंने माइक रखा है, सारा उपाय मैं करके रखी हूँ। ये आहूजा का माइक है और इसका पूरा सेटअप वहाँ लगा हुआ है। बोया वाला माइक जो था मेरा पहले वो खराब हो गया था, एक और बोया का माइक मैं लेकर के आई थी। बहुत सारा मैंने माइक करके रखा है, लेकिन फिर भी अब इसमें बैटरी लगता है और वो बैटरी मेरा खत्म हो गया है। लॉकडाउन चल रहा है, अब मुझे बैटरी कहाँ मिलेगी ये मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कल तो संडे है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगी कि मार्केट में जाकर के देखूं इसी बैटरी मिलेगी कहाँ। अगर मिल जाती है तो सही है, फिर बोर्ड पे क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगे, नहीं तो कुछ दिन आपको थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा। मैं खुद भी चाहती हूँ क्लासेस को एकदम कंटिन्यूस रखने के लिए, लेकिन नहीं रख पाती हूँ, थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगी। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।